subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. सोचेगी क्या पता, वैसे भी अब तक तो वो सब कुछ सुन ही चुकी होगी। अभी क्या सुना है, अभी तो बहुत कुछ सुनाऊंगा मैं उसे, और वैसे भी मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हारे बारे में सुनाने के लिए उसको। तो जाओ ऊपर और जाकर बता दो उसे सब कुछ। ये भी करूंगा, एक दिन ये भी करूंगा। अम्मी खाने का क्या करना है, लगवा दो? हाँ बेटा लगवा तो दो, मगर डाइनिंग रूम में नहीं, हाथी के कमरे में लगवा दो, तुम लोग वहीं खाना खाओ। लेकिन अम्मी आपने तो कहा था ऐसे भी इकट्ठे खाना खाएंगे। कहा था, लेकिन जब तक ये सब कुछ नहीं हुआ था, अगर वो शादी फिर आ गया तो फिर कोई झगड़ा होगा, बस जल्दी से खाना लगवाओ और निपटाओ सबको। लेकिन अम्मी आप दोनों ने तोहफे जो देने थे। तोहफे कैसे सामना करूंगा मैं उसका, हाँ? अरे क्या सोचेगी वो, किस खानदान में ब्याह कर आई हूं मैं। नहीं तुम मेरी तरफ से दे देना। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं नहीं जाऊंगी इस वक्त हरगिज उसके कमरे में। अरे बेटा सुबह देखा जाएगा, तुम जाके खाना तो लगवाओ, उससे तो काम से तो निमटो। जी अच्छा सुनी, मैं जानती हूँ आपकी तबीयत बहुत खराब रहती है, अब इस बात को अपने दिल पे मत लो हसन, प्लीज प्लीज, अल्लाह मियां सब ठीक कर देंगे। आलिया बेगम किस कदर गिरा हुआ है ये लड़का, पता नहीं किस गुनाह की सजा में खुदा ने हमें ये औलाद दी। औलाद नहीं, आजमाइश है, अजाब है अजाब, उसे किसी का कोई एहसास नहीं, सिर्फ मुझे, मेरा और मैं, यही अल्फाज है उसके जुबान पर, सिर्फ यही अल्फाज। मैं अच्छी तरह महसूस करती हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, अपनी तबीयत का ख्याल करो प्लीज। मैं खाना लगवाती हूँ, यही मंगवा लेती हूँ खाना, ठीक है हसन? आपके पास कुछ सवाल है मेरे लिए। आप कुछ कहेंगे? आप शायद शादी की बातों को लेकर परेशान हैं। वशमा बिल्कुल जानता हूं मैं, आपने ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया होगा और आप टेंस लग भी रही हैं। वो आपके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? पता नहीं वो ऐसी बातें क्यों करता है, बल्कि हम में से कोई भी नहीं जानता कि वो ऐसी बातें करता क्यों है। लेकिन अब आप यहां आ गई हैं तो ऐसी बातें सुनेंगी। देखिए वशमा, आप इन बातों के बारे में सोचिए मत, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दीजिए। हम में से कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। मैंने
नबील को शादी के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन लगता है कि आपसे किसी ने उसका जिक्र नहीं किया।